Hello friends, I'm Smita Kumar and you're watching your own health channel MediCircle. How many of us donate blood? क्या आपको पता है कि हमारा देश एक ब्लड शॉर्टेज के संकट से गुजर रहा है. हमारे देश में लगभग करीब 5 करोड़ यूनिट खून की जरूरत पड़ती है, जिसमें से आधा यानी सिर्फ 2.5 करोड़ यूनिट खून ही अवेलेबल हो पाता है. तो इसका क्या कारण है? इतनी बड़ी जनसंख्या यानी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद हमारे यहाँ खून की शॉर्टेज होती है. इसमें कई कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है खून का वेस्ट हो जाना. यानी जो ब्लड बैंक्स में जो ये खून को जमा किया जाता है वो समय आने पर किसी अन्य मरीज को चढ़ाए नहीं जा पाता. हर साल हमारे देश में करीब 6.5 लाख ऑफ यूनिट ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स आर गेटिंग वेस्टेड. यानी करीब 6.5 लाख ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स हर साल वेस्ट होते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है. खून किसी भी हेल्दी शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अत्यधिक खून बह जाने से मरीज को एक्स्ट्रा खून की आवश्यकता पड़ती है, और अगर ब्लड बैंकों में खून पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं हो तो मरीज की जान बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है. लोगों में रक्तदान को यानी ब्लड डोनेशन को अवेयर करने के लिए, लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है. यानी जिसमें बहुत सारे लोग आगे आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं. इसके जरिए विश्व भर के रक्तदाताओं को धन्यवाद भी किया जाता है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं और अनजाने ही कितने सारे जिंदगियों को बचाने की कोशिश करते हैं. लोगों में ब्लड डोनेट करने को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं. लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करने से कई बार कमी आ जाएगी, उनके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, वापस ये ब्लड कब बन पाएगा. ऐसे बहुत सारे मिथ्स को हम लोग बस्ट करेंगे, डिबम करेंगे और जानेंगे कि ब्लड डोनेट करना कितना इम्पोर्टेंट है. करीब अच्छे हेल्दी आदमी, हेल्दी जो लोग हैं वो एक साल में, करीब 2 साल में तो आराम से वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं. ब्लड डोनेशन हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और एलिजिबल लोगों को साल में 2 बार ब्लड डोनेट करना ही चाहिए. MediCircle आपके पास लाता है राइट इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट डॉक्टर्स एंड एक्सपीरियंस के थ्रू. सो लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट दैट आर देर एनी प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन. इफ नो, Are we donating blood regularly? क्या हम दूसरे लोगों की जान बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर ब्लड का दूसरा कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, मरीज को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उस वक्त ब्लड ही देना पड़ता है. इसलिए हम आगे आएँ और जो लोग हेल्दी हैं वो तो बिल्कुल ही ब्लड डोनेट करें और कई सारी जिंदगियों को बचाएं. स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू MediCircle. हाय, गुड इवनिंग. मैं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कांबे. जैसा कि आप जानते हैं, हम हर थर्सडे 6 बजे इस आस्क द एक्सपर्ट सीरीज में डॉक्टर कुमार कांबे से काफी अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं. हमने पिछले कुछ हफ्तों में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछे थे, और साथ ही साथ अभी हम उनके पास उनसे पूछ रहे हैं डी एडिक्शन सीरीज पे. जैसा कि नो टोबैको डे एक सबको पता है, एंटी टोबैको, बहुत सारे टोबैको के बहुत सारे दुष्परिणाम है. हम चूंकि एक डी एडिक्शन सीरीज प्लान कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर कुमार कांबे से हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर जो लोग किसी भी नशे की लत में अगर वो हैं तो कैसे उससे बच सकते हैं, उसे छोड़ कैसे सकते हैं, उसके बाद जिंदगी आगे कैसे नॉर्मल वे में स्पेंड कर सकते हैं. क्योंकि बहुत हद तक जो टोबैको है, बहुत सारे तरह तरह के चीजें हैं जो लोग नशे के सेवन करते हैं इसकी वजह से. गुड इवनिंग डॉक्टर कुमार, वेलकम टू MediCircle. गुड इवनिंग श्वेता जी, एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल. तो डॉक्टर कुमार कांबे, जैसा कि हमने ये आज द एक्सपर्ट सीरीज की शुरुआत की थी कुछ हफ्ते पहले आपके साथ, जिसमें पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बाद में डी एडिक्शन को एक टॉपिक बना करके उसके काफी एपिसोड्स बना करके दर्शकों को ये बताने की कोशिश की थी कि आप जिस नशे की लत से अगर जूझ रहे हैं तो उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं, या किस तरह से आप ये जो एडिक्शंस है उससे अट्रैक्ट हुए बिना रह सकते हैं और अपने लाइफ में बेटर दूसरी अच्छी चीजों पे फोकस कर सकते हैं. नो टोबैको डे पे आज जो हमारा एपिसोड रहेगा डॉक्टर कुमार, वो ये रहेगा कि कैसे टोबैको और टोबैको से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इसके आदि हो चुके हैं, वो कैसे इससे निजात पा सके, इससे बाहर आ सके.
जैसे नो टोबैको डे की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि नो टोबैको डे जो है वो हर साल 31 मई को मनाया जाता है। WHO द्वारा एक एज अ डे ऑब्जर्व किया जाता है सारे वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पर इसको एक प्रैक्टिस की जाती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है जी तंबाकू और उससे जुड़े हुए पदार्थों से जुड़े हुए जो नुकसान होते हैं उसके बारे में जागरूकता निर्माण की जाती है, और साथ ही साथ इन पदार्थों के सेवन से अपने आप को कैसे बचाए इसके जी बारे में जागरूकता दी जाती है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, मैं चर्चा की शुरुआत में स्मिता जी आपसे एक चीज पर थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा कि जी टोबैको के किस किस तरह के, किस किस्म के टाइप्स के बारे में आपको जानकारी है? जैसे पान मसाला का सिगरेट्स, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सिगरेट तो जैसे नॉर्मली टोबैको है, बट साथ ही साथ बहुत तरह के पान मसाले और गुटखे भी होते हैं मार्केट में जो लोग इसका सेवन करते हैं। और कई बार तो कई छोटे मतलब यंग एडोलेसेंट लोगों को भी मैंने देखा है बहुत बार पान मसाला और ये खाते। जी, इसके अलावा और कोई टाइप पता है आपको तंबाकू के जुड़े हुए टोबैको प्रोडक्ट्स? जी ओके, सो कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स के नाम मैं लोगों के बीच में जाहिर करना चाहूंगा ताकि उन्हें पता चले कि इसमें टोबैको है, ये नहीं तंबाकू इसमें है। तो जैसे मुंबई के साइड में कई सारी औरतें जो है हाउस होल्ड में मशेरी इस्तेमाल करती है, जो बर्न टोबैको होता है, वो अपने यहाँ पर जो गम्स है वहां उसे रब करती है, तो वो एक तरह का तंबाकू का पदार्थ है। खैनी, खैनी एक पदार्थ होता है, एक प्रकार का तंबाकू का प्रोडक्ट है, जो एक ब्रांड भी है जो उसे एज अ ब्रांड के तौर पे उसकी एडवर्टाइजमेंट भी देखी है हमने, काफी फेमस मतलब सेलिब्रिटीज ने एंडोर्स किया हुआ है उस ब्रांड को। तो खैनी एक तरीके का जो एक टोबैको प्रोडक्ट है। सिगरेट तो आपने बात ही कर ली, गुटखा भी बात कर ली। गुटखे का ही एक और इवॉल्व मतलब पान जो है उसमें तंबाकू वाला पान, उसी तरह एक और इवॉल्व तरीका जो है तंबाकू का सेवन करने का, उसको बंबई के साइड में मावा कहते हैं, जी जो सुपारी के साथ मिक्स करके टोबैको के प्रोडक्ट्स को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। जी उसको थोड़ा अगर बाहर इंटीरियर्स में जाते हैं तो जैसे हमारे विदर्भ में हम देखते हैं नागपुर के तरफ खर्रा कहा जाता है, ये एक फॉर्म ऑफ टोबैको है। जी एक और फॉर्म ऑफ टोबैको है जो नस्वार के तौर पे जाना जाता है, जो ऐसे इनहेल की जाती है, एक पाउडर्ड सी जो ये होती है, उसमें भी टोबैको का कुछ अंश होता है। सो जी बेसिकली जब भी हम तंबाकू के पदार्थों के बारे में जब बात करते हैं तो दो तरीके से इस्तेमाल पहले देखा गया है, एक तो स्मोकलेस मतलब जिससे धुआं नहीं निकलता, इन जी पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए धुएं का इस धुएं के तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, जो च्युएबल टोबैको कहा जाता है, मुंह से सेवन किया जाने वाला टोबैको कहा जाता है, और दूसरा होता है स्मोक टोबैको जो बीड़ी सिगरेट सिगार ऐसे इन तरीकों से इस्तेमाल किया जाने वाला जो है वो स्मोक वाला टोबैको। तो ये बेसिकली एक मतलब आपको मैं एक आउटलाइन देना चाहता था कि भाई किस तरह के अलग अलग तंबाकू के प्रोडक्ट्स है अवेलेबल मार्केट में। जी और ये तो मैंने ऑलमोस्ट करीबी जो जानकारी दी है वो महाराष्ट्र से जुड़े हुए अलग अलग टोबैको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी है। गुजरात में जाते हैं तो और भी कुछ अलग अलग नाम है, फाकी, फाकी नाम है एक प्रोडक्ट का, टोबैको प्रोडक्ट का। जी तो ऐसे अलग अलग जगह पे जाएंगे तो लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट ये जानकारी क्यों होनी चाहिए कि टोबैको प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, क्योंकि जब हम इन पदार्थों के संपर्क में आते तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें तंबाकू है तो मुझे ये लेना नहीं है। जी ये नॉलेज मैं इसलिए देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि लोगों को ये जरूर जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रोडक्ट का क्या नाम है, कौन से तंबाकू के पदार्थ का क्या नाम है, ताकि मैं जब कभी ऐसे पदार्थ के संपर्क संपर्क में आता तो मैं ये इस्तेमाल ना करूं, मैं इससे दूर रहूं, या इसको इस्तेमाल करने वाली व्यक्ति के साथ में समय ना बिताऊं ताकि मैं इस पदार्थ के संपर्क
संपर्क में ना हो। तो ये नॉलेज थोड़ी इसीलिए जरूरी है, ये अवेयरनेस इसीलिए जरूरी है। अब इसके साथ मैं डिस्कशन जैसे आगे बढ़ा रहा हूँ स्मिता जी, तो थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आपके हिसाब से समझ लीजिए एक 16-year-old कॉलेज में जाने वाला लड़का है और वो दोस्तों को सिगरेट स्मोक करते देखता है एंड वो एक दो ट्राई करता है। जी तो हम क्या एडवाइस दे सकते हैं अभी इस लड़के को या लड़की को, एनी लड़का या लड़की कोई भी स्मोक करे तो हम क्या एडवाइस दे सकते हैं? जी पहला तो बहुत लोग ये ट्रायल के लिए करते हैं कि ये होता क्या है और इसको करके देखें। एग्जैक्टली बिल्कुल, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे शहरों में, आपने हुक्का बार भी सुना होगा या देखा होगा, शीशा भी नाम है उसका, तो वो एक्चुअली, कई जगह एडवर्टाइज किया बिफोर जाता आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं ये आपसे पूछना भी चाहूंगी डॉक्टर कुमार कामले, कि क्या उसमें भी तंबाकू होता है? यानी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो जो हमारे हुक्का बार्स में मिल रहे होते हैं, क्या वो उसमें भी तंबाकू रहता है? बहुत बार बहुत जो कम उम्र के या किशोरावस्था या जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, वो बहुत बार इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते देखे जा रहे होते हैं, तो वो क्या उनके लिए हानिकारक है? एग्जैक्टली इसी में थोड़ा मिला जुला एक और जानकारी मैं ऐड करूंगा मेरे आंसर के एंड में। अब ये जो हुक्का बार से इसमें जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ है, जो हुक्के में सर्व किया जाता है, जी उसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में निकोटिन निकोटिन ये याद रखिएगा, चर्चा में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा कि तंबाकू में, तंबाकू के पदार्थों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एडिक्टिव सब्सटेंस है जिसकी वजह से व्यक्ति बार बार तंबाकू के पदार्थ को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास जाती है, वो है निकोटिन। तो ये निकोटिन जो है ये एडिक्टिव सब्सटेंस है, मेन एडिक्टिव सब्सटेंस है तंबाकू के प्रोडक्ट्स का। और जब तंबाकू का प्रोडक्ट का सेवन किया जाता है तो ये ब्रेन में जाता है और ब्रेन के कुछ जगहों पर ये अपनी एक्टिविटी करता है जिसके वजह से वो क्रेविंग आती है, वापस बार बार उसे लेने की इच्छा होती है। तो जी जब हुक्का बार में के जो प्रोडक्ट्स है, हुक्का बार के प्रोडक्ट्स भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ परसेंटेज निकोटीन का देखा गया था, सभी में नहीं कुछ प्रोडक्ट्स में। तो इसीलिए जो हुक्का बार्स में सर्व किया जा रहा है वो भले ही कभी कभी कहा जाता है कि इसमें कोई निकोटीन नहीं है, बट वो अश्योर्ड नहीं होता है। इसीलिए हुक्का बार्स के ऊपर जो है वो निगरानी रखी जाती है, रेस्ट्रिक्शन लाए गए हैं, जो कुछ भी है मतलब वो लीगल एस्पेक्ट में वो आ गया है, ये भी एक कारण है उसमें का। और इसी का मैंने एक और थोड़ा सा एक जानकारी ऐड करना चाहूंगा कि जो एक ई सिगरेट नाम की जो चीज आया करती थी, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हुआ करती थी जिसमें निकोटिन का लिक्विड हुआ करता था और उसको उसमें डाल के वो स्मोक किया जाता था। तो तंबाकू के बाकी के पदार्थ इसमें नहीं होते थे, सिर्फ निकोटीन हुआ करता था, उसे स्मोक किया जाता था। लेकिन उस सॉल्यूशन में भी ऐसा देखा गया है कि कुछ अनसेफ प्रोडक्ट्स है, इसीलिए उसको बाद में बैन किया गया है, ये सोच के कि भाई ये सही है या नहीं है। तो इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन पेन हुक्का आया था, क्योंकि आपने हुक्का की बात की, स्कूलों के बाहर पेन हुक्का मिल रहा था कुछ समय के लिए, काफी समय के पहले की बात है। मतलब मैंने मोटे मोटे तौर पे एक दो पेशेंट से सुना था कि स्कूल के बाहर एक वैन आती थी और वो उस तो भी ऐसे पेन के जैसे, पेन जैसे ये पेन है इस तरीके का, ऐसा कोई तो पेन जैसा होता था और उसमें कोई तो भी लिक्विड भरा हुआ होता था और उसमें जो लिक्विड जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक के लिए ट्रिगर किया जाता था और उसे स्मोक किया जाता था और ये बताया जाता था कि वो फ्लेवर्ड लिक्विड है, लेकिन बाद में शायद उसमें निकोटीन कंटेंट होता है ऐसा अंदेशा आया और फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई होने लगी। तो ये भी एक तरीके का निकोटीन प्रोडक्ट जो है, मतलब तंबाकू के अंदर का नशे का पदार्थ, इसको सप्लाई करने वाला एक तरीका है, एक प्रोडक्ट है जो नशे के निकोटीन के नशे की तरफ लोगों को आकर्षित करता है, तंबाकू के नशे की तरफ आकर्षित करता है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्या है कि क्यों भाई, क्यों हमें बंद करना चाहिए, क्यों हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्यों हमें तंबाकू के पदार्थ नहीं लेने चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण यह है कि सबसे अहम कारण यह है कि तंबाकू के पदार्थ जो है
वो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 16-17 साल की उम्र में बहुत सारे लोग एक्सपोज होते हैं, क्योंकि घर के बाहर वो निकलते हैं, स्कूल से अब कॉलेज में जाने लग गए हैं, अब सुपरवाइज एनवायरनमेंट से अनसुपरवाइज एनवायरनमेंट में है, ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, और टोबैको के प्रोडक्ट्स ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, भले ही वो लीगली कहा जाता है कि 100 मीटर दूर या 200 मीटर दूर टीचिंग इंस्टीट्यूट से दूर रखा जाए, लेकिन उसके बाहर तो वो अवेलेबल है, तो जी उसके संपर्क में आना काफी आसान है। तो जब ये टोबैको के प्रोडक्ट्स के साथ कोई व्यक्ति संपर्क में आती है तो उसे एक नशे के दुनिया में एक एंट्री मिल जाती है, क्योंकि सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है निकोटीन, जो तंबाकू के पदार्थों के सेवन के द्वारा व्यक्ति संपर्क में आता है, और फिर इसे जो हम एक गेटवे ड्रग के नाम पे जानते हैं, गेटवे मतलब दरवाजा खोलने वाला, अगर तंबाकू का पदार्थ आपकी जिंदगी में आ गया तो वो बाकी तरह के नशे के पदार्थों के लिए दरवाजा खोल देता है। तो बाकी तरह के जो नशे के पदार्थ है, जैसे गांजा हो गया, शराब के पदार्थ हो गए, अफीम हो गई, चरस हो गई, ब्राउन शुगर हो गया, ऐसे अलग अलग तरीके के नशे के पदार्थों के लिए भी आदमी शायद ट्रायल लेने का उसमें कुतूहल पैदा हो जाता है, और शायद व्यक्ति आगे बढ़कर इनमें से किसी और पदार्थ पर भी डिपेंडेंट या निर्भर हो सकती है, उसके नशे के बीमारी से ग्रस्त हो सकती है। तो इसीलिए ये सबसे पहला कारण है कि भाई तंबाकू के किसी भी पदार्थ के संपर्क में बिल्कुल ना आए, ये सबसे जरूरी कारण, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में नशे की दुनिया का दरवाजा खोल देता है, और आपकी जिंदगी में बाकी नशे के पदार्थ भी आ सकते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, ये पहला कारण हो जाता है। और दूसरे बहुत सारे ब्रॉड कारण है, लेकिन तंबाकू के पदार्थों के वजह से शरीर पर होने वाले अलग अलग नुकसान, तो ये दोनों तरीके के तंबाकू के पदार्थों से होता है। जो मैंने स्मोकलेस के बारे में जो कहा था कि भाई स्मोकलेस मतलब जो मुंह से सेवन किए जैसे जाते हैं और जिससे धुआं नहीं निकलता है, वो भी उतने ही हानिकारक है, प्लस जो स्मोक किया जाता है वो तो और भी ज्यादा हानिकारक है, लेकिन दोनों ही यहाँ अपने का मैं अपने। आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। बहुत बार जी हमने ऐसा देखा है कि ये जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं टोबैको के, वो स्मोकलेस होते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया, जैसे आप अपने गम्स पे ये कर रहे होते हो, रब कर रहे होते हो, बहुत सारे लोग ऐसा मावा या इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। यस जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक जी होता है, जी इस जी केस में मेरा ये सवाल है डॉक्टर कुमार कामले, कि क्या ये जो प्रोडक्ट्स है जो स्मोकलेस हैं तंबाकू के, क्या वो भी आसपास के जो लोग हैं उनके लिए हानिकारक है? जस्ट जिस तरह से सिगरेट पैसिव स्मोकिंग में भी जिन लोगों ने उस सिगरेट के धुएं को लिया है उसके लिए काफी हद तक हानिकारक हो सकते हैं, तो इसके बारे में बताएं। स्मोकलेस के द्वारा जो बाकी के लोग हैं उनको क्या कहते हैं, नुकसान होने का डायरेक्ट असर कम होता है, बट इनडायरेक्ट तरीके से वो नुकसान करते हैं। जैसे स्मोकिंग में सेकेंड हैंड स्मोक कहा जाता है उस कंसेप्ट को, कि मतलब मैं स्मोक कर रहा हूँ तो मेरे साइड में बैठे हुए व्यक्ति को इस मेरे स्मोकिंग के धुएं के वजह से नुकसान होता है, लेकिन जब मैं तंबाकू का पदार्थ का सेवन करता हूँ तो इससे डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचता है। हाँ, लेकिन जैसे अब मैं ये तंबाकू के पदार्थ से पिचकारी मारू इधर उधर, तो दो चीजें होती है, मेरे मुंह के अंदर जो कीटाणु है वो बाहर निकल रहे हैं, और अगर मुझे कोई बीमारी है, जैसे आज के तारीख में कोरोना जैसी बीमारी है, जी तो वो मेरे मुंह के बाहर निकलेगा और वो इस वातावरण में आने वाले लोगों के सांसों में संपर्क में आएगा, और उनको वो बीमारी हो सकती है, टीबी के जैसी बीमारी फैल सकती है, तो ये इस तरीके का इनडायरेक्ट असर है। एक और चीज इनडायरेक्ट देखा गया है, स्मोकलेस टबैको का सबसे खतरनाक असर, अगर कोई लेडी है वो स्मोकलेस टबैको का इस्तेमाल कर रही है, तो वो अगर प्रेग्नेंट है तो ऐसी हालत में अगर वो तंबाकू का इस्तेमाल कर रही है तो उसके पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर ये बुरा असर करता है, उसके वजह से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, हाथ पैर में एनामलीज आ जाती है, ब्रेन की डेवलपमेंट कम होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे अलग अलग शारीरिक परेशानियां बच्चे को पेट में पैदा होने के पहले से ही झेलनी पड़ जाती है। तो स्मोकलेस का इस तरीके का इनडायरेक्ट असर ज्यादा देखा जाता है। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर कुमार कामले, कि आपने बोला एक 16-17 साल का जो भी लड़का है जो कॉलेज में अभी अनसुपरवाइज एनवायरनमेंट में है, तो ये बहुत बार देखा जाता है कि वो लोग कभी कभी शो ऑफ में और कभी कभी अपने दोस्तों के पीयर प्रेशर में आकर के इस तरह की चीजों को ट्राई करते हैं।
और बहुत बार इसके आदि हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। कितनी बार उनके पेरेंट्स या उनके सीनियर्स या जो जिनके पास उनको ले जाया जाता है रिहैब सेंटर्स, वहां पे उनकी बहुत बार काउंसलिंग होती है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। तो इसमें से एक दर्शक ने हमें एक सवाल पूछा था कि इस तरह के अगर वो कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे एंटी क्रेविंग मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो क्या एंटी क्रेविंग मेडिसिन कौन से होते हैं और वो क्या ओवर द काउंटर मिलते हैं? जी, तंबाकू के संबंधित पदार्थ के संबंधित एंटी क्रेविंग मेडिसिन जो है मैक्सिमम ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। तो कौन से ओवर द काउंटर मतलब क्या, दवाई के लिए वो पदार्थ के प्राप्ति के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें दो तरह के अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे आसान तरीके से निकोटिन रिप्लेसमेंट कहा जाता है, मतलब ये जो पदार्थ है एक है च्युइंगम और एक है पेस्ट्यूल, ये दोनों मुंह के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स हैं तंबाकू का सेवन बंद करने के लिए। इन प्रोडक्ट्स में निकोटीन के कुछ अंश होता है। अगर मैं च्युइंगम के बारे में बात करता हूँ, तो बहुत बार लोग कहते हैं कि हमने च्युइंगम इस्तेमाल किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिक्कत ये हो जाती है कि वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और गड़बड़ हो जाती है। तो मैं एक छोटा से डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा कि सही तरीका क्या है च्युइंगम को इस्तेमाल करने का। सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपको जब तंबाकू की तलब आती है उस समय तंबाकू के पदार्थ को ना इस्तेमाल करते हुए इस च्युइंगम का या इस पेस्ट्यूल का इस्तेमाल करना है। जी और ये जब इस्तेमाल करते हैं तो जैसे च्युइंगम लिया तो उसे दांतों के बीच में ऐसे एक या दो बार चबाया और उसे ऊपर में होठों के और मसूड़ों के बीच में जी यहाँ अंदर के साइड में रख दिया। अब जब ये ऐसा रख दिया जाता है तो वो धीरे धीरे डिजोल्व होता है, घुलता है, उसका रस निकलने लगता है। उस चीज का इंटेक करना है, सेवन करना है, अंदर लेना है। जी इसके वजह से निकोटीन का सप्लाई होता है और धीरे धीरे उस समय के लिए तलब जो आई रहती है तंबाकू के पदार्थ के सेवन की, इस्तेमाल करने की, तो तलब जो क्रेविंग आती है वो कंट्रोल होने में मदद होती है। ये सिलसिला थोड़े समय के लिए चलता है और जैसे ही इसका असर कम होता है वापस उस चीज च्युइंगम को एक दो बार चबाना है, वापस यहाँ रखना है। इस तरीके से एक च्युइंगम आपको 20 से 25 मिनट के लिए फायदा दे देता है, आपकी तंबाकू के सेवन को रोकने में मदद करता है, उस समय आई हुई क्रेविंग को भगाने में मदद करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पैचेस आते हैं, निकोटीन के पैचेस आते हैं, इंडिया में पैचेस ही अवेलेबल है, और ये च्युइंगम और लॉजेंज अवेलेबल है और पेस्ट्यूल अवेलेबल। ये मुंह से लेने वाले प्रोडक्ट्स हैं और ये सब लिंक, और ये पैच जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें 24 घंटे के लिए एक पैच होता है, उसमें निकोटीन का सप्लाई आपको 24 घंटे के लिए चलता है। ये सारे डॉक्टरी सलाह से मिलने वाले ये ऑप्शंस है। तो आप जब कभी तय करते हो कि मुझे तंबाकू के प्रोडक्ट से छुटकारा पाना है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको अवेलेबल अलग अलग ऑप्शंस दे अवेलेबल ऑप्शंस जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको जो सूटेबल है उस ऑप्शन को आपको लागू करने में मदद करेंगे और एडवाइस करेंगे। जी, अल्कोहल के भी केस में क्या ऐसे ही एंटी क्रेविंग मेडिसिन आते हैं जो डॉक्टर की सलाह से ही लिए जा सकते हैं? बिल्कुल आते हैं, अल्कोहल के मामले में भी आते हैं, जो तलब ना है इसके लिए अवेलेबल है, और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स है अवेलेबल उसपे, और कई बार कॉम्बिनेशन रहता है, कुछ और भी मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अल्कोहल की क्रेविंग को भी कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इम्पोर्टेंट एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सिर्फ दवाई या जो क्रेविंग का कम करने वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भी हमारे बर्ताव में, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने के लिए भी कई सारी चीजें, बदलाव लानी पड़ती है हमारे बर्ताव में, और उसका भी एडवाइस जो है वो हमें जो हमारे डॉक्टर हैं या काउंसिलर हैं उनके साथ डिस्कस करके वो सीखना होता है कि मेरी तलब आती है तो और भी क्या तरीके हैं। जैसे मैंने मुंह में कुछ तो भी रख लिया, मेरे पास समझ लीजिए च्युइंगम नहीं है और बाकी कोई पदार्थ नहीं, तो मैंने मुंह में कुछ अजवाइन रख ली या सौंफ खा ली या चॉकलेट खा लिया या सादा वाला च्युइंगम खा लिया, जब मुझे तंबाकू के प्रोडक्ट की तलब आती है और मैं तंबाकू का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये भी अलग अलग तरीके होते हैं, ये भी सीखना जरूरी है। तो मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये दोनों साथ साथ जब चलते हैं तो क्रेविंग और इन सारी चीजों पे सबसे बढ़िया तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जी,
अल्कोहल के कोई एंटी क्रेविंग मेडिसिन हैं ऐसे जो ओवर द काउंटर मिलते हैं डॉक्टर कामली? नहीं, ओवर द काउंटर नहीं मिलते, बिकॉज पेशेंट के हिसाब से तय किया जाता है उसकी बॉडी स्टेटस को देखकर कि भाई उसकी बॉडी को कौन सा सूट होगा, जी और उसके कंजम्पशन के हिसाब से भी तय किया जाता है कि भाई उसके कंजम्पशन को सूट होने वाला कौन से क्या कितनी मात्रा में कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। उसके से बॉडी का देखा जो जाए डॉक्टर कामले तो बहुत हद तक ये एंटी क्रेविंग मेडिसिंस तो मदद करती है, साथ ही साथ काउंसलर्स भी मदद करते हैं जो उन्हें कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बताएं, और भी कई दूसरे चीजें हैं जहां पे आप अपने खुद को बिजी रख सकते हैं, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैंने ये फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये इसका सेवन नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। तो इसमें जिस तरह से एंटी क्रेविंग मेडिसिन मदद करती है वैसे काउंसलर्स की भी बहुत मदद होती है, उनके जो खुद के परिवार वाले होते हैं वो भी काफी हद तक मदद करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जो खासकर जो यंग लोग हैं जो इसके प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, वो किस तरह से इनसे दूर रह सकते? मैंने जैसे पहले बताया कि भाई इसके तरफ का जो अट्रैक्शन है वो ठीक है, नॉवेल्टी सीकिंग नेचुरल होता है, बट हमें ये समझना जरूरी है कि समझना जरूरी है कि भाई इसका मैं इस्तेमाल करूं तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो जितना हमें इसके परिणामों के बारे में जानकारी होगी उतना ही हम ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे कि मैं इन पदार्थों से भाई दूर रहूं, क्योंकि परिणाम अगर हम जानते हैं तो परिणाम नकारात्मक बहुत ही ज्यादा से ज्यादा परिणाम देखे गए हैं। नकारात्मक परिणाम मतलब जैसे यंग एज में अगर आप 13, 14, 15, 16 के आसपास अगर आप इन पदार्थों का इस्तेमाल करते तो आपका जो ब्रेन है उसकी ग्रोथ में एडवर्स दुष्परिणाम देखे जाते हैं, और उसके वजह से अब ये ग्रो होने वाला जो ब्रेन है जो आपको जिंदगी भर साथ में रखना है उस पर अगर इस ग्रोथ की स्टेज में अगर निकोटीन के प्रोडक्ट्स का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो जिंदगी भर के लिए उनके ब्रेन के इस डेवलपमेंट में एडवर्स इफेक्ट देखे जाएंगे। तो ये जानकारी रहना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है, बॉडी के ग्रोथ पर भी तंबाकू के पदार्थों के वजह से बहुत सारे दुष्परिणाम देखे गए थे। उसके वजह से जो उनकी ग्रोथ है, जो है फ्रॉम एक टीनेज से एक अडल्टहुड के तरफ बढ़ने वाला जो शरीर है वो भी आगे चलकर कमजोर होने की संभावना ज्यादा देखी गई है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, हार्मोनल परेशानियां भी बहुत सारी होती है, और साथ ही साथ आज के तारीख में जो भी डिजीज उभर कर आ रहा है जैसे सीओपीडी, छाती से फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी है, कैंसर्स, डायबिटीज, इवन डायबिटीज टाइप 2 को भी देखा गया है कि तंबाकू के पदार्थों के साथ उनका कनेक्शन देखा गया है। तो ऐसी कोई भी कॉमन बीमारी नहीं बची जिसका संबंध आपके तंबाकू के पदार्थ के वजह से दुष्परिणाम के रूप में देखा गया है। और आज के तारीख में सिटिंग इन 2021 सबसे इम्पोर्टेंट, कोविड से लड़ने के लिए जो हमारी इम्यूनिटी है, अगर हम तंबाकू के पदार्थ से ग्रस्त है, तंबाकू की बीमारी से ग्रस्त है, तो हमारी लोकल इम्यूनिटी जो लंग्स की है वो ऑलरेडी कम रहती है, तो संभावना है कि कोविड अगर हमारे लंग तक पहुंच गया तो ज्यादा हावी हो सकता है, हमारे लंग्स को ज्यादा इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, ये संभावना बढ़ जाती है। और ओवरऑल तंबाकू के पदार्थ सेवन करने की वजह से जो इनडायरेक्ट इफेक्ट देखा गया है कि भाई भूख कम लगती है, और जब हम सही न्यूट्रिशन नहीं लेते तो स्वाभाविक तौर से हमारी इम्यूनिटी गड़बड़ाई हुई रहती है, तो उसके वजह से भी हमारी कोविड से लड़ने की जो क्षमता है जी वो अपने आप कम हो जाती है। तो आज के इस पैंडेमिक में दौर में भी तंबाकू के पदार्थों का सेवन का इम्पैक्ट कोविड के सिचुएशन में भी बहुत एडवर्स देखा गया है। बहुत हद तक, जिस तरह से जैसे कोविड भी लंग्स और फेफड़ों को ही अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, तो क्या डॉक्टर कुमार कामले जो लोग तंबाकू या सिगरेट्स या और इस तरह के और प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे होते हैं, क्या वो तो हायर रिस्क पे होते हैं कोविड इन्फेक्शन के लिए? स्मोकलेस टोबैको के साथ और स्मोकिंग टोबैको के साथ, दोनों के साथ जो है हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है, बहुत ज्यादा संभावना है कि हमें इन्फेक्शन होगा। जब स्मोकिंग वाले तंबाकू के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है तो लंग्स में वो धुआं जाता है, और लंग्स में जो हमारे फेफड़े हैं उनकी जो लोकल इम्यूनिटी है, लोकल प्रतिकार शक्ति है जो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है जब तंबाकू के पदार्थ उस पर हमला करते हैं। एक सिगरेट में करीबन 4,000 के आसपास के खराब पदार्थ
मौजूद होते हैं, एडवर्स सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। सबसे कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोटे मोटे तौर पे जो सबसे खतरनाक पदार्थ जो होता है वो होता है टार। जी टार मतलब जिससे हमारा रोड बनता है, डांबर, जी तो जी वो होता है। उसका कुछ अंश जो है सिगरेट के धुएं में मौजूद होता है। और दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये भी, जैसे हम हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन उसका, कार्बन डाइऑक्साइड का एक खतरनाक रूप होता है, खतरनाक भाई है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत घातक है। वो भी कुछ हद तक सिगरेट के धुएं में मौजूद होता है, जिसके वजह से ऑब्वियसली हमारे शरीर का जो है वो नुकसान बढ़ते जाता है। एक सिंपल सा एक फायदा अगर बताओ, सिगरेट स्मोकिंग बंद करने के 20 मिनट के अंदर हमें फायदा दिखाई देना शुरू होता है। आमतौर पर जब सिगरेट स्मोकिंग होती है तो लोगों के दिल की धड़कन तेज हुई रहती है। जिस वक्त व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग बंद कर देता है, 20 मिनट के अंदर ये तेज धड़कन जो है नॉर्मल धड़कन, नॉर्मल हार्ट रेट के और बढ़ने लगती है। मतलब वो जो तेज धड़कन है वो कम होते जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इतना फायदेमंद है सिगरेट बंद करना, मतलब विद इन 20 मिनट्स आपको फायदा दिखाई देना शुरू होता है। आगे जी चलते हुए और भी फायदे दिखाई देते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आप बंद किए हुए जितना समय बढ़ता जाता है, क्विट टाइम जो बढ़ता जाता है। एक और बात देखी गई है डॉक्टर कुमार कामले कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कभी कभी अपने जॉब या एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड इनसिक्योरिटीज की वजह से और कभी कभी हार्ट जो भी अपने उनके जो रिलेशनशिप्स बन रहे होते हैं इस समय उनकी वजह से कई बार वो नशे के पदार्थों के प्रति उनके प्रति वो ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, चाहे किसी के साथ ब्रेकअप हो जाना या किसी को अपने जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पाना या मन मुताबिक जॉब नहीं मिल पाना, ऐसे बहुत सारे अकरेंसेस देखे जाते हैं जिसमें खासकर जो यंग लड़के और लड़कियां होते हैं वो इन पदार्थों का, इन प्रोडक्ट्स का सेवन करते हुए देखे जा रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं सबसे सिंपल चीज, सिंपल एडवाइस यही देना चाहूंगा कि क्या ये स्मोकिंग या अल्कोहल के इंटेक से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है क्या? मतलब क्या आपकी जो मनपसंद जॉब नहीं है, जो आपकी करंट जॉब है जो आपको पसंद नहीं है, क्या आपके स्मोकिंग करने से वो मनपसंद हो जाएगी क्या? या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपने स्मोकिंग या अल्कोहल लिया, तो क्या आपका वापस रिश्ता जुड़ जाएगा क्या? तो मोटे मोटे तौर पे लेखा जोखा बेसिक यही हो जाता है कि भाई आपका उस सिचुएशन को डील करने का तरीका सही नहीं है। आप एक नशे के पदार्थ पर निर्भर होते हैं और जी अंत में क्या होता है, एंड में रिजल्ट क्या होता है? सिचुएशन तो कुछ सॉल्व नहीं होती है, उसमें कोई सुधार नहीं आता है, लेकिन आप इस नशे के पदार्थ के आदि हो जाते हैं, आप इसके चक्र में फंसते जाते हो। तो आप एक मुसीबत, जो आपके हिसाब से मुसीबत है, जो एक विपरीत परिस्थिति है, एडवर्स सिचुएशन है, उससे बचने के लिए एक दूसरी एडवर्स परिस्थिति में नशे की बीमारी के अंदर फंसते जाते हो। सो बेसिकली हमें सिचुएशन को डील करने का तरीका सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है, सो हमें एक चीज समझना जरूरी है कि ठीक है भाई, इट वॉज फॉर द गुड फॉर बोथ। शायद आप दोनों की जोड़ी नहीं बन रही है, इसलिए आप दोनों अलग हो गए, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। और क्या ये इकलौती व्यक्ति है दुनिया की जो आपके साथ पैर में या आपके साथ प्यार करेगी? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ये नहीं तो कोई और सही। सो मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे खुद को समझदारी के तरीकों से हमें इन सारी विपरीत परिस्थितियों से गुजरना, खुद को सिखाना पड़ेगा। और सबसे एक छोटा सा चीज इसमें मैं आपको एक बताना चाहूंगा पॉइंटर। आपने जो बताया ना कि यंग एडल्ट्स में देखा जाता है कि जैसी ऐसी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, हाथ में ग्लास होता है या सिगरेट होती है, ये सबसे ज्यादा मैं कोसूंगा कि रिसेंट में जो है ना हमारी मूवीज, इसमें ये डिपिक्ट किया जाता है। द मोमेंट कुछ एडवर्स हो जाता है, दूसरा सीन कट टू बार में बैठे हुए थे, या हाथ में सिगरेट है, अकेले है, सिगरेट है, ग्लास है, बस यही है। एक यंग पॉपुलेशन को लगता है ओके ये तरीका है, शायद कभी ये क्यों नहीं, हाँ कभी ये क्यों नहीं दिखाते, क्या
कि अरे यार मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मेरा दोस्त मुझे समझा रहा है, अरे छोड़ना यार कोई और मिल जाएगी, या मैं कुछ और बेहतर चीजों में अपना फोकस डाइवर्ट कर रहा हूँ ताकि इस डिफिकल्ट टाइम में भी मैं अपने आप को संभाल सकूं। ये चीजें कभी नहीं दिखाई जाती। तो ये जो समाज माध्यम कहते हैं ना, सोशल मीडिया ओवरऑल, तो वो भी बहुत ज्यादा हद तक रेस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से हम कोप करना सिखाए, पॉजिटिव तरीके भी डिपिक्ट करने चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार कामले आपका हमारे शो पे आने कर, और एंड मोटो टोबैको डे पे हमारे दर्शकों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने का कि किस तरह से हम टोबैको और उसके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उससे बच के रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर कुमार। थैंक यू स्मिता जी। अगेन मैं दर्शकों को बस एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, 31 मई को नो टोबैको डे है, तो प्लीज ये जानकारी सब लोगों से शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो और लोगों से शेयर करें ताकि नो टोबैको डे जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और उसे सारी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचे, तो ये हमारी कोशिश है इस वीडियो के द्वारा कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचे। तो मैं आप सभी देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। 31 मई ये नो टोबैको डे है, इसके बारे में लोगों के बीच में जानकारी और अवेयरनेस पैदा करने के हिसाब से। बिल्कुल मोहम्मद धन्यवाद। जैसा कि हम लोग डॉक्टर कुमार कामले से बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग नो टोबैको डे को एक अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दोस्तों आओ आप भी इस बारे में सोचो कि अगर ये जो 31 मई आ रहा है जो कि एक नो टोबैको डे है, क्यों ना हम अपने इस टोबैको की जो हैबिट है इसको आज के दिन छोड़ने की कोशिश करें। कोविड ने काफी हद तक हम लोगों को बदल दिया है, हम लोग काफी हद तक अपने परिवार और उन लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं जो फिलहाल हमारे लाइफ में, जो एक्चुअली हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। इस तरह से अगर हमें सच में अपने अपने जो परिवारजन है, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिलके रहना है तो इन बुरी आदतों से दूर रहना पड़ेगा। इसके काफी दुष्परिणाम है वो आप भी जान रहे होते हैं, फैक्ट भी लिखा रहता है कि दिस लीड्स टू कैंसर या इससे कितने सारे और खतरनाक बीमारियां होती हैं। सब कुछ जानते बूझते भी अगर हम इन आदतों को आज भी कैरी ऑन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। इस 31 मई को आप ट्राई करें कि जो लोग ये इस टोबैको या इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं वो किसी ना किसी थोड़े ही लेवल पे धीरे धीरे उसकी मात्रा कम करके फाइनली उसको छोड़ने की कोशिश करें टूवर्ड्स, एंड वो स्टार्ट करें एक हेल्थी लाइफस्टाइल सो दैट कि वो अपने अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल हो पाए और अपने परिवार के लिए भी एक अच्छा सदस्य हो करके, एक कमिटेड पर्सन हो करके प्रूव कर पाए। सो इसी तरह के शोज के साथ हमेशा आपके साथ मैं हाजिर रहूंगी स्मिता कुमार। आपको अगर ये शो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक करें इस वीडियो को, और हम ट्राई करेंगे कि हम आपके पास इसी तरह से और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड टू मेडी सर्कल।